फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सफाक और आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बजीज वर्ल्ड ब्यूटी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बजरी के ब्रीडिंग बॉक्स के बारे में कि हम अपने बजरी की पैर को परफेक्ट ब्रीडिंग बॉक्स कौन सा दे जिसमें वो अच्छी तरह बच्चे दे और अच्छी तरह अपने बच्चों को पाले और उसमें वो खुश नजर आए। तो आज का हमारा यही टॉपिक है। अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अक्सर लोग बजरी के लिए, कॉकटेल के लिए, लव बर्ड के लिए मटकी भी यूज करते हैं और ब्रीडिंग ये जो बॉक्स है ये भी यूज करते हैं ब्रीडिंग के लिए। तो मैं खुद आप लोगों के लिए रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ब्रीडिंग बॉक्स यूज करो। ये लकड़ी का जो होता है ये आप लोग यूज करो, मटकी यूज नहीं करो, क्योंकि मटकी के बहुत सारे नुकसानात है। सबसे पहले वो सख्त सर्दी में बहुत ज्यादा ठंड हो जाते हैं मटकी, जिससे चेक्स को सर्दी लग के एक्सपायर होने का खतरा होता है। और ये जो लकड़ी का बॉक्स है इसमें आप लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि परफेक्ट साइज क्या होनी चाहिए ब्रीडिंग के लिए, बजीज की ब्रीडिंग के लिए, जेपनीज होगोरोमो या होगो जिसको बोलते हैं उसके लिए। और ये बॉक्स मैं लव बर्ड के लिए भी यूज करता हूँ, ये बॉक्स आप लोग लव बर्ड के लिए भी यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले इसकी लंबाई जो है वो 10 इंच होनी चाहिए, यानी ये जो साइज मैं बताता हूँ ये मैं इंचेस में बताता हूँ, इधर से लेकर इधर तक ये लंबाई जो है ये 10 इंच होनी चाहिए। और इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई परफेक्ट लव बर्ड के लिए, कॉकटेल के लिए, सॉरी बजीज के लिए यही है 6 इंच। 6 इंच इसकी ऊंचाई होनी चाहिए। लंबाई हो गई, ये मैं इंचेस में बता रहा हूँ, आप कोई मिस्टेक ना करना, लंबाई हो गई 10 इंच और इसकी ऊंचाई हो गई 6 इंच। अभी आते हैं गहराई की तरफ, और इसकी जो गहराई है यानी इधर से लेकर इधर तक ये भी 6 इंच होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल परफेक्ट साइज है लव बर्ड के लिए और बजीज के लिए। और इसमें और क्या होना चाहिए, ये आगे आप दो छोटे सुराख देख रहे हो, ये दो छोटे सुराख जरूरी है जिसमें से हवा का वेंटिलेशन होता है, यानी हवा की क्रॉस होती है। अंदर बॉक्स में हब्स पैदा नहीं होते हैं जिससे आपके चेक्स एक्सपायर होते हैं। तो ये जरूरी है ये दो चीजें। अगर आप के बॉक्स में ये दो सुराख नहीं है तो अंदर बॉक्स में हब्स जमा हो जाती है और आपके जो है ना बच्चे एक्सपायर होने का ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आप लोगों को ये बात जहन में रखना चाहिए। दोस्तों, अक्सर जो बिगिनर होते हैं, जो नई नई शौकीन होते हो, जो हजरात नए नए बर्ड्स रखते हैं, वो एक गलती करते हैं जिससे अक्सर यही मसला आता है कि उसके जो चेक्स है बजरी के, होगो के या लव बर्ड के, वो स्प्लिट लेग आते हैं। और उसका मेन रीजन क्या है इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूंगा। ये बॉक्स आप लोग देख सकते हो, इस साल इस बॉक्स में मैंने ब्रीड ली है, ये बिल्कुल प्लेन है, ठीक है ना। तो वो लोग क्या गलती करते हैं कि बस सिर्फ बॉक्स ही लगा देते हैं, यानी उसमें कोई वुड शेव कुछ भी नहीं डाल देते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो कि हमारे जो चेक्स है वो स्प्लेड लेग ना निकले, यानी ये बहुत ऐसा समझो स्प्लेड लेग बच्चे कंडम होते हैं, वो ना ब्रीड के काबिल होते और ज्यादातर रहती भी नहीं है, वो एक्सपायर भी हो जाते हैं। तो अगर आप जो बिगेनर है, ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि बॉक्स को इसी तरह खाली फिक्स ना करो केज में, ठीक है। जरूरी क्या है, उसमें आपने ये वुड शेव डालना है, जितना हो सके उस मकदार में डालो। ये मैंने थोड़ा सा डाल दिया आप लोगों के लिए ट्राई में, अभी ये ऐसे समझो एक मुट्ठी है, आपने डालनी है तकरीबन 3 से 4 मुट्ठी, ठीक है। तो ये देखो अभी बिल्कुल इन लोगों के लिए जो बैकग्राउंड है जिधर पे ये लोग अंडे देते हैं, एक तो अंडे इधर उधर हिलेंगे नहीं जब बजरी
बॉक्स से बाहर आते हैं तो अंडे अंडे जो है ना वो इधर उधर नहीं हिलेंगे और वो अंडे टूटने का खतरा भी नहीं होगा। ये आप लोग, मैंने अभी आप लोगों के लिए एक मुट्ठी डाल दी, आप लोग 3 मुट्ठी डाल सकते हो। एक तो अंडे इधर उधर नहीं हिलेंगे और दूसरी बात, जब चेक्स निकलेंगे अंडों से तो नीचे का जो हिस्सा है बॉक्स का वो सॉफ्ट होगा, नरम होगा। जब उसके ऊपर फीमेल बैठती है चेक्स के ऊपर तो वो स्प्लेट लेग नहीं होंगे, यानी नीचे से वो जगह नरम होगी। वुड शेव बहुत नरम होते हैं, इस वजह से आप लोगों जो बिगेनर हो इस बात का ख्याल रखो, ये वुड शेव जरूर यूज कर देना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। अभी के लिए चाहता हूं इजाजत, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।